माय टू फैमिली, अब सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आए हुए हैं सुनील वर्मा सेल एंड परचेज पर और हम हैं लालबाग में। तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा बेहतरीन स्टॉक देखने को। जो भी स्टॉक यहाँ का खड़ा है वो आज हम दिखाने वाले हैं अपने चैनल पर। पहली बार यहाँ का वीडियो बन रहा है और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कम बजट में गाड़ियाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कम बजट में भी गाड़ियाँ भाई दिखाएं, तो आज के वीडियो में कम बजट में गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा करके रेड वाला, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबा रखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आप आए हमारे चैनल पर तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि करके सारी गाड़ियां। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जा करके कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी कर लीजिए फॉलो, क्योंकि वहां भी हम अब वीडियो डालते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों नया डीलरशिप है और यहाँ पर हम भी पहली बार आए हैं और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं आपको एक एक करके सारी गाड़ियाँ। तो सबसे पहली गाड़ी है हमारी वैगनार जो कि ब्लैक कलर में है, वैगनार LXi 2007 मॉडल है गाड़ी, 50,000 चली बता रहे हैं, बाकी फोर्थ ओनर गाड़ी है ये। तो आप देखिए इंटीरियर इसका अंदर से साफ़ है और गाड़ी की कंडीशन भी ठीक लग रही है, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। प्राइस अगर देखा जाए तो प्राइस इसका जो बता रहे हैं वो 1,10,000 रुपये बोल रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस से कम हो जाएगा क्योंकि गाड़ी फोर्थ ओनर है तो कम तो करना ही पड़ेगा, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर खड़ी है ऑल्टो LXi 2008 मॉडल की गाड़ी है और सेकेंड ओनर है, 63,000 किलोमीटर चली है गाड़ी। आप देखिए गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में लग रही है, गाड़ी में फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बाकी टायर्स थोड़े से जो है गाड़ी के ये मान के चलिए कि आपको इसमें मिलेंगे लगभग 60% 50% टायर्स हैं, बाकी गाड़ी आप देखिए कंडीशन साइड प्रोफाइल काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। 2008 मॉडल है तो गाड़ी पेंट हो चुकी है और गाड़ी सेकेंड ओनर है। तो ये चली कितनी है वो भी 63,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और ये गाड़ी कितने की हो जाएगी, 1,00,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं जो कि नेगोशिएबल प्राइस है। अब बाकी आपको जो समझ में आ रहा हो आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी का मुझे ये प्राइस समझ में आ रहा है, अगर हो पाए तो आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है आप अपना प्राइस लगाएंगे, अगर डीलरशिप पे हो जाता है सारी चीज़ें तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद फिर हम अगली गाड़ी आपको दिखाएंगे, स्विफ्ट डिज़ायर VDI जो कि खड़ी 2015 मॉडल, सेकेंड ओनर है, 68,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली है, जो कि मुझे बताया गया है कि 68,000 चली है, सेकेंड ओनर है, और गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखिए काफ़ी ठीक ठाक है और गाड़ी भी ठीक होती है। डिज़ायर डीजल में काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और ये डीजल ही है, और इसका जो प्राइस है वो है 4,50,000 रुपये की डिमांड है जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। कंडीशन गाड़ी की बढ़िया है, अगर आप डिज़ायर लेना चाहते हैं तो एक बार इस गाड़ी को देख सकते हैं, अच्छी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है। अंदर से इंटीरियर देखिए, इंटीरियर भी गाड़ी का ठीक है, यानी जिसने भी रखा है ठीक ठाक से रखा है, सेकेंड ओनर ज़रूर है गाड़ी लेकिन गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जा करके। और बाकी इसका जो प्राइस बताया जा रहा है वो 4,50,000 रुपये बताया जा रहा है जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि भैया इसका फाइनल प्राइस जो है वो क्या हो सकता है। उसके बाद फिर अगली गाड़ी हम आपको दिखाएंगे i10 स्पोर्ट 1.2 जो कि है 2011 मॉडल, और ये है आपकी सेकेंड ओनर ये भी है, और 2011 मॉडल है, 1,90,000 रुपये की डिमांड है इसकी जो कि नेगोशिएबल है जैसा कि बताया गया है, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि कितना नेगोशिएबल हो सकता है, क्या कम हो सकता है इसमें। साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी का ठीक ठाक है, और उसके बाद फिर आपको अंदर से भी हम दिखाते हैं इसका इंटीरियर कैसा है, साइड प्रोफाइल बढ़िया है गाड़ी का, और इसके माइलेज की अगर बात करें तो लगभग 15 से कम का माइलेज तो गाड़ी नहीं निकालती है, 15 का माइलेज आराम से देती है। देखिए बैक से जो गाड़ी का लुक है वो भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, कंडीशन ठीक है, यानी गाड़ी में कोई काम फ़िलहाल नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इंटीरियर अंदर से देखिए आप गाड़ी का, इंटीरियर भी गाड़ी का ठीक है, जिसने भी रखा है साफ़ सुथरा रखा है गाड़ी को,
और ये भी सेकेंड ओनर है। और बाकी आप कॉल करके प्राइस जो भी आपको समझ में आ रहा हो आप बात कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये प्राइस समझ में आ रहा है इस गाड़ी का, और अगर हो पाएगा तो ज़रूर दे देंगे। कॉल कर सकते हैं डीलरशिप पे। उसके बाद फिर अगली गाड़ी हमारी है जो कि आपके रिट्ज़ VDI है डीजल में। और ओनर की अगर बात करें तो थर्ड ओनर गाड़ी है, तो 62,000 किलोमीटर चली है। UP 32 लखनऊ का नंबर है। बाकी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं जा करके। 62,000 बताया जा रहा है चली, और 2010 मॉडल है। इस गाड़ी की प्राइस की अगर बात करें तो 1,90,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो कि आप कॉल करके बात कर सकते हैं और जो भी आपको प्राइस समझ में आ रहा हो आप कॉल करके बता सकते हैं। गाड़ी में टायर्स की बात करें तो टायर्स बढ़िया कंडीशन में है, साइड प्रोफाइल बढ़िया है, पेंट भी अभी गाड़ी का ठीक ठाक है, यानी कंडीशन गाड़ी की ठीक है, अभी आपको कुछ कराना नहीं है गाड़ी में। बैक से जो गाड़ी की कंडीशन है देखिए वो भी बढ़िया है। और उसके बाद आइए अंदर से इसका जो इंटीरियर है वो भी हम देखते हैं। तो ये आप देखिए इसका इंटीरियर, अंदर से इंटीरियर भी गाड़ी का ठीक है। ये देखिए अंदर से इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है अलग से। और ये गाड़ी कितने की हो जाएगी, 1,90,000 रुपये की, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है जैसा कि बताया जा रहा है। तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसमें चारों विंडो पावर आपको मिल जाते हैं, पावर स्टेयरिंग, बाकी सारी चीज़ें जो भी नॉर्मल रहती हैं गाड़ी में वो सब कुछ मिलता है इसमें आपको। उसके बाद फिर अगली गाड़ी है हमारी i10 स्पोर्ट्स 1.2 2009 मॉडल, फर्स्ट ओनर है। और ये गाड़ी चली है आपकी मात्र 18,000 किलोमीटर जैसा कि बताया गया है। बाकी तो आप चेक करवा सकते हैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी 2009 मॉडल है तो 18,000, तो आप भी सोच रहे होंगे कि 2009 मॉडल 18,000 चली। बाकी देखिए जो भी हमें बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, 2009 मॉडल है, और 1,75,000 इसका जो डिमांड कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। तो आप बाकी कोई बात है अगर तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करें और बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी मैंने देखी है यूट्यूब चैनल पर और मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए जो भी रेट आपको समझ में आ रहा हो आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है जब तक कि आपको जो समझ में नहीं आएगा रेट और आप बताएंगे नहीं तो अगले को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड तो एक अपनी चीज़ होती है। उसके बाद गाड़ी का जो अंदर की कंडीशन है वो भी ठीक ठाक है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ओमनी, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रही है। फ्रंट लुक गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, साइड प्रोफाइल भी देखिए आप। ये ओमनी सेकेंड ओनर है, 60,000 किलोमीटर चली, 2014 का मॉडल है गाड़ी, लखनऊ का नंबर है। गाड़ी के प्राइस की अगर बात करें तो ये आपकी 1,65,000 रुपये की हो जाएगी, जो कि बहुत सारे भाई लोग अपने चाहते हैं कि मुझे ओमनी मिल जाए अच्छी कंडीशन में, तो ओमनी आपको यहाँ पर मिल सकती है। बैक से जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी बढ़िया है, और अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से भी गाड़ी ठीक ठाक लग रही है। बाकी आप जा करके बात कर सकते हैं यहाँ पर, या कॉल करके बात कर सकते हैं अगर गाड़ी आपको समझ में आ रही तो। और ये है आपकी ओमनी 2014 मॉडल, 8 सीटर है गाड़ी ये, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सीटें जो हैं इसमें डबल हैं, तो ये 8 सीटर है, 8 सीटर में फिटनेस होता है हर साल। प्राइस नेगोशिएबल है। बाकी उसके बाद फिर अगली गाड़ी है हमारी इंडिगो ECS LX, फ्रंट लुक गाड़ी का देखिए कुछ इस तरीके का है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, साइड प्रोफाइल भी ठीक है गाड़ी का। और ये इंडिगो आपकी टाटा की ठीक ठाक गाड़ी है, इसमें आपको माइलेज मिल जाता है काफ़ी अच्छा, डीजल से लगभग 20 का माइलेज दे देती है गाड़ी हाईवे पे, और कम प्राइस में मिल जाती है। तो इसका जो प्राइस है वो 2011 मॉडल है गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, 72,000 चली है। प्राइस की बात करें तो 1,35,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, कम हो जाएगा। तो डीजल गाड़ी में बढ़िया गाड़ी भी है और माइलेज भी अच्छा है और कम पैसे में भी मिल जाती है, तो अब इसके लिए भी बात कर सकते हैं। आप अंदर देखिए म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, इंटीरियर भी ठीक ठाक है गाड़ी का। इसमें चारों विंडो आपको पावर मिलते हैं, पावर स्टेयरिंग मिलती है, AC हीटर सब कुछ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर अगली गाड़ी हम आपको दिखाते हैं जो कि है इको स्पोर्ट। अंदर से आप देखिए, अंदर से भी गाड़ी जो है वो बढ़िया है, जो कवर्स वगैरह लगे हैं कवर भी ठीक ठाक हैं अंदर से,
यानी फिलहाल कोई काम नहीं नज़र आ रहा है। बाकी तो आप गाड़ी चेक करके ले सकते हैं, कहीं से भी आप लें तो सारी चीज़ें चेक करके लें। उसके बाद फिर देखिए इको स्पोर्ट आपकी 2013 का मॉडल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये अपनी चली है 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी है। तो गाड़ी की कंडीशन आप देखिए, कंडीशन ठीक लग रही है, साइड प्रोफाइल भी बढ़िया लग रहा है, साइड प्रोफाइल जो है काफ़ी ठीक लगता है क्योंकि स्टिकर्स जो ये लगे हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं इको स्पोर्ट के। बाकी गाड़ी में क्रोम्स वगैरह भी लगा है और देखिए अंदर इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का। तो इस गाड़ी के प्राइस की अगर बात करें तो 4,00,000 रुपये की डिमांड है इसकी, जो कि नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। गाड़ी आप अंदर से देखें, इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है इसका, साफ़ सुथरी गाड़ी है। फिलहाल गाड़ी में काम कोई नहीं, बाकी थोड़े से कवर हल्के से आगे वाले थोड़ा सा फटे नज़र आ रहे हैं हल्के से, बाकी तो गाड़ी ठीक है, कहीं से कोई काम नहीं लग रहा है। और बाकी तो सेकेंड हैंड गाड़ी आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत काम तो निकलता ही है, थोड़ा बहुत तो इंसान को लगाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर देखिए अगली गाड़ी है मारुति इको, जो कि इसके लिए भी बड़ी डिमांड आती है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 63,000 किलोमीटर चली है और 2014 मॉडल गाड़ी है ये। गाड़ी पेट्रोल पे है और साइड प्रोफाइल देखिए आप, साइड प्रोफाइल बढ़िया है, टायर्स भी गाड़ी के ठीक हैं, देखिए साइड से भी देखिए काफ़ी ठीक ठाक लग रही है गाड़ी। बाकी गाड़ी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है डीलरशिप का, आप कॉल करें और बताएं कि हमने चैनल पर देखा है गाड़ी और गाड़ी हमें समझ में आ रही है, बस ये कि जो भी प्राइस आपको समझ में आ रहा हो आप खुद डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसमें आपको विंडो मैनुअल मिल जाते हैं, बाकी गाड़ी आप देखिए अंदर से इंटीरियर वगैरह ठीक ठाक है, बढ़िया है, इंटीरियर ठीक है, यानी गाड़ी जिसने भी रखी है साफ़ सुथरी रखी है, सीट कवर वगैरह भी ठीक है। तो प्राइस की अगर बात कर रहे हैं तो 2,25,000 रुपये की इसकी डिमांड है, जो कि डिमांड पे तो आप मत जाइए, बाकी तो कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और 2,25,000 रुपये बताया गया जो कि नेगोशिएबल हो सकता है, तो आप कॉल करके बात कर लें। गाड़ी की कंडीशन जो है वो आपके सामने हमने दिखाई सारी चीज़ें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। देखिए अपनी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा स्टॉक दिखाया जाए, और यहाँ पर क्या है, बस थोड़ा सा ये हो गया कि गाड़ी यहाँ पर सेकंड ओनर थर्ड ओनर थोड़ा सा ज़्यादा थी, लेकिन ये कि कम प्राइस में यहाँ पर गाड़ियाँ थी और मैंने सोचा कि हर जगह कवर करना चाहिए, तो यहाँ भी मैंने वीडियो कवर कर लिया है। बाकी आपको कैसा लगा वो आप जानेंगे और आप बताएंगे लिख करके, जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बगल में हमारे ये भाई साहब कौन है, तो इनसे मिलवाना चाहूँगा। ये हमारे सलमान भाई हैं जो कि हमारे कैमरामैन हैं और ये वीडियो शूट करते हैं। और तो कैसे हो सब लोग? तो हाय हेलो भाई से हो गई है, और जैसा कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि हाँ भाई कैमरे के पीछे कौन है, कौन शूट करता है। बहुत सारे लोग, एक दो कमेंट्स भी मेरे पास आए कि भाई कौन शूट करता है वीडियो आपके। तो आजकल तो देखिए मैं जगह पे जाकर के शूट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ वजह है, कुछ परेशानी चल रही है इस वजह से, लेकिन ये है कि हाँ आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाते हैं, और बस यही अपनी कोशिश है कि वीडियो आप तक अच्छे से अच्छे पहुँचते रहें। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, 4 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे काम करते हुए, और उम्मीद है कि हमेशा आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दें, गुड बाय।